तहसील बार एसोसिएशन का मतदान भी शुरू हो गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फिर यहाँ इतिहास बनना है। जानसठ के अंदर पहुंचे हैं एसएचओ विश्वजीत, क्या वजह है? मौजूदा यहाँ पर सेक्रेटरी भी और अध्यक्ष भी खड़े हैं और भारी पुलिस बल भी मौजूद है। क्यों अध्यक्ष जी, क्या जरूरत पड़ी पुलिस को बुलाने की? वकीलों का इलेक्शन है, कानून व्यवस्था मेंटेन करनी है, तो इसमें पुलिस बल का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। क्या कुछ ऐसा लग रहा था कि पुलिस की जरूरत पड़ेगी? तो सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए। क्यों परवेज जी, सही हो रहा मतदान? बिल्कुल निष्पक्ष मतदान हो जी। इंस्पेक्टर साहब, आप खास तौर से पूरा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आए हैं। वकील कार पुलिस का चोली दामन का साथ होता है, तो क्या लाठी चार्ज भी करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसी नौबत कतई नहीं आएगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी, शांतिपूर्ण मतदान होगा, बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से सब चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, खास तौर से क्योंकि दोनों ही एक कड़ी है और सिस्टम के पार्ट है। सबका मकसद ये है कि पीड़ितों को न्याय मिले, अच्छी कार्यकारिणी बने और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, तो खैर क्योंकि एक जरूरत होती है कि कहीं भी कोई किसी पे आक्षेप ना लग जाए या कोई व्यवस्था ना हो जाए। जी जानना चाहेंगे नेताजी, क्या चल रहा है मतदान? बढ़िया चल रहा है जी। किन मुद्दों को लेके मतदान करोगे? मुद्दों तो जो साफ स्वच्छ के नेता है उन्हें चुना जाएगा। तो क्या है ऐसी क्या चीज़ है? बार के लिए काम करें, ऐसी कोई सी जरूरत है जो बार को? बहुत सारी जरूरतें हैं, जैसे पारदर्शिता होनी चाहिए काम में, यहाँ पे भ्रष्टाचार बंद हो और अधिवक्ताओं के लिए काम करें, युवाओं के लिए। बहुत 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 धन्यवाद जी। किन किन चीज़ों की जरूरत है बार को? अधिवक्ता इसमें कार्य होना चाहिए और जो कानूनी दफ्तर है उसमें सुधार होना चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर आरक्षण होना चाहिए। मौजूदा कार्यकारिणी थी, उन्होंने इन पर लगाम नहीं लगाई? नहीं, काफ़ी लगाम लगाई है, लेकिन पहले से अच्छा और होना चाहिए, और होना चाहिए। ठीक, दीपेश गुप्ता, खास तौर से 21 सूत्री मांगों को क्या मांग पत्र घोषणा पत्र दिया है लिखित में, क्या क्या है, क्या वजह है जो आपने लिखित में दी है? वजह जो है, बार संघ जांच में बदलाव करने की मेरी इच्छा है, उसी इच्छा को लेकर जो मैं बार संघ के सचिव पद पर प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ और मुझे अपने अधिवक्ताओं का बहुत सम्मान मिल रहा है, उम्मीद है कि वो जो है वोट के रूप में भी तब्दील होंगी। और मैं जो 21 सूत्रीय कार्यक्रम यही है, जो युवा अधिवक्ता हैं, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अधिवक्ता अपना कार्य तभी कर सकता है जब उसके बाद बैठना चैम्बर हो। तो मैंने 30 अप्रैल तक 32 अधिवक्ताओं को मैंने बनाए चैम्बर देने का अपना वादा किया। कहाँ से बनाओगे? सरकार से बनवाओगे, खुद बनवाओगे? वो जब पद पर आसीन होंगे तो निधि कहीं ना कहीं से प्राप्त जरूर होगी। बार के पास बहुत सारे स्रोत हैं, अन्य बार इतनी मजबूत है कि वो अन्य स्रोत से भी अपनी आय ले सकती है। उसके अलावा जो युवा अधिवक्ता हैं उनके लिए जीवन बीमा की पॉलिसी मेरा मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दावेदारी है सचिव पद पे, दावेदारी है, क्या लग रहा है? और सफलता की पूर्ण आशा है, लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है। किन मुद्दों को लेकर वोट? मुद्दे जो है विशेषकर जो है अधिवक्ता हुए कल्याण के लिए काम करना है, जो बीमा है नए अधिवक्ताओं के लिए एक निश्चित राशि स्टाइपेंड के रूप में मिले, और जो चैम्बर की समस्या है उसका मतलब जो भी है, बार का जो फंड है, जो आमद है, वो अधिवक्ता हुए कल्याण और विकास में खर्च हो और उसका सही इस्तेमाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दो बार जीत के, तीन के बार जीते हो? तीन बार जीत गए हो। क्या है इस बार तो है, लोग कह रहे हैं कि बदलाव करने की स्थिति में है। हम कथनी करनी पर विश्वास नहीं करते, हम तो करनी करते हैं, कथनी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। तेजपाल कश्यप, चाहे सत्ता किसी की हो, सबके साथ भागीदार बनने वाले, सबके काम आने वाले। तेजपाल कश्यप सीधा जुड़ेंगे मेरे साथ, किस पद पर हो? बार संघ के सचिव पद पर। किन मुद्दों को लेकर आपको आना पड़ा? आप तो सभी को सपोर्ट करते हैं वैसे करीब करीब। मुद्दे यह है कि मान सम्मान का मुद्दा है, अधिवक्ताओं के मान सम्मान का मुद्दा एक तो, और जो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ग्रुप पूरा सक्षम है जीतने में? हाँ, आपकी बात तो टीवी सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शशि सैनी साहब, युवा भी हो और अब तो बुजुर्ग भी हो गए हैं क्योंकि अध्यक्ष पद पर लड़ रहे हो चुनाव, लेकिन कर्मठ हो, क्या इस मुद्दों इस बार लेके चुनाव मैदान में आए हैं? यहाँ पर जो है जो बार और बैच का संबंध है वो ठीक से चल नहीं पा रहा, बहुत उसको जो है ठीक तरह से सुचारू तरह से चलाने के लिए जो है मैं ये प्रयास करूँगा कि बार और बैच में जो है मधुर संबंध बने, तभी कोई कार्य जो है ठीक तरह से हो पाएगा। इसके अलावा और कोई बड़ी समस्या रुकी हुई है? हाँ, यहाँ पे म्युनिसिपल कोर्ट की मांग जो है 25 सालों से लगातार चली आ रही है और हर साल ये महसूस होता है जब चुनाव आते हैं कि एक महीना रह गया आने में और दो महीने आ गए,
मैं चाह रहा हूँ कि ये अब जो है बहुत जल्दी से जल्दी मैं अगर अध्यक्ष पद का चुनाव जीतता हूँ तो इस साल मैं उसमें भरसक प्रयास करूँगा म्युनिसिपल कोर्ट लाने के लिए। यहाँ पे सभी वर्ग पर दावेदारी, किस किस पर दावेदारी चल रही है वोट की? नहीं नहीं, मेरा जो है मुख्य रूप से जो मेरे अपने वोटर है जो मुझे पसंद करते हैं वो युवा वर्ग है। अच्छा, और अच्छा। इस बार तो जो है जो बुजुर्ग है मेरे उनका भी मुझे सहयोग मिल रहा है, मिल गया है पूरा सहयोग मिल रहा है और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है जब युवा भी मेरे साथ में है और